यह है ICN न्यूज सोशल मीडिया नेटवर्क, सत्य सटीक विश्वसनीय। अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप Instagram और Twitter पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, ICN न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निहल व्यास। एक और जहां शिक्षा के मंदिर समाज एवं क्षेत्र में उन्नति और प्रगति की नींव रखते हैं, वहीं दूसरी ओर कोठरी स्थित VIT इंस्टीट्यूट किसानों के लिए संकट पैदा करता जा रहा है। क्षेत्रीय किसानों ने आरोप लगाया है कि बिल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय भोपाल, जो कि कोठरी में स्थित है, शिक्षा के साथ साथ अब बड़े भूमाफिया के रूप में भी दिखाई दे रहा है। सैकड़ों एकड़ भूमि में बनी VIT यूनिवर्सिटी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रही है, जिससे आसपास के सैकड़ों किसान परेशान हैं। गांव के गरीब किसान, जिन्हें सरकारी ने पट्टे भरने के लिए अंशदान में पट्टे की जमीन आवंटित की है, इन किसानों के आम रास्ते और पास लगे सरकारी नाले पर VIT द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे किसानों का खेतों पर जाना दूभर हो गया है। शासन प्रशासन के उदासीन रवैये से VIT प्रबंधन के हौसले बुलंद है, जिससे किसान बेबस नजर आ रहा है। किसानों द्वारा प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है, जानकारी के बाद भी स्थानीय और जिला प्रशासन मौन है। किसानों का आरोप है कि प्रबंधन इस तरह से अवैध कब्जे कर हम किसानों की जमीन को कौड़ियों के दाम में खरीदना चाहता है। ICN ने प्रबंधन का पक्ष जानना चाहा तो प्रबंधन ने बात करना भी उचित नहीं समझा। जल्दी ही इस गंभीर समस्या का हल नहीं निकला तो किसान सड़कों पर उतरने को विवश होंगे। इस मामले पर आष्टा क्षेत्रीय विधायक ने आश्वासन में कहा है, हम किसी कीमत पर अतिक्रमण नहीं होने देंगे। वहीं तहसीलदार भी किसानों के लिए रास्ता होना स्वीकार कर रहे हैं। गांव के प्रमुख रूपेश पटेल भी यूनिवर्सिटी के पास से आम रास्ता और बड़ा नाला होने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि कब यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट ICN न्यूज। ICN न्यूज के लिए कोठरी से कृष्णपाल वर्मा की रिपोर्ट। हमारा जो रास्ता है यहाँ पे, हमारे जो गाड़ी है ट्रैक्टर वगैरह क्रॉस हो जाए, इतना चौड़ा हमारा रास्ता छोड़ दे, बाकी हमें सरकारी जमीन मान लो वो ले रहे हैं या प्राइवेट जमीन किसी खरीद रहे हैं, उससे हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारा जो मेन रास्ता है उसकी समस्या है। रास्ता छोड़ना चाहिए आपका? जी जी, आने जाने के लिए आपको जो है खेतों पे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, हमने प्रशासन को आवेदन भी दिया है। VIT कैंपस के बीच में से एक नाला निकला हुआ है, वो भी शासकीय है, कुछ रास्ते हैं, तो हमने अधिकारियों को बोला है, विधायक जी से भी बात हुई है, सांसद जी से भी सूचे में बात हुई है। हमने अधिकारियों को बोला है कि जितने भी शासकीय भूमि VIT के आसपास पड़ी है उसको निकाल के तार फेंसिंग की जाए, ताकि वो शासन के ही कब्जे में हमेशा के लिए रहे। सर, कोठरी गांव में VIT सेंटर, VIT सेंटर के ऊपर जमीन को लेकर के किसानों से और VIT सेंटर का जो विवाद चल रहा है, जगह को लेकर के, रास्ते को लेकर के, क्या कुछ मामला है? आप गए भी थे, आपने देखा भी था? किसानों ने रास्ता बंद करने की एक शिकायती आवेदन हमें दिया था। मैं मौके का भ्रमण किया, निरीक्षण किया, और मौके पर रास्ता उनका चालू है। अभी वर्तमान में जो कोठरी है, केबल लाइन बिछा रहा है, थोड़ा सा गड्ढा किया हुआ है, केबल लाइन बिछने के बाद वो रास्ता यथावत चालू हो जाएगा। वर्तमान में भी चालू है, थोड़ा सा डाइवर्सन राइट रास्ता VIT द्वारा दे दी गई, कुछ जगह पे उनका कब्जा भी हो रहा है, बता रहे हैं ग्रामीण। नहीं, अभी ऐसा संज्ञान, कब्जे की संज्ञान तो नहीं आया है, फिर भी हम उसकी जाँच करा लेंगे। हाँ, पूर्व में पट्टे की जमीनें बिकी होंगी, तो सक्षम अनुमति के पश्चात ही बिक्री हुई होंगी। विधायक जी, ग्राम कोठरी में VIT सेंटर बना हुआ, जिसमें किसान परेशान है उनकी जमीन को लेकर के, वहाँ रास्ते की जगह नहीं है, तो क्या है कुछ मामला आपको जानकारी? इस मामले में किसान परेशान है? नहीं, मेरे पास लगातार 2-3 बार सब किसान आए, तो मेरे गाँव के किसान है, साथ में फिर हमने तहसीलदार मरावी जी को भेजा और छुट्टी थी उस दिन, छुट्टी के दिन उनको तत्काल हमने आदेश दिया और तत्काल वो मौके पे भी गए, मौके पे बता दिया गया और किसान मौके मौजूद थे और VIT वाले मौजूद थे। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है, हमने VIT वालों को बोला, तहसीलदार साहब को बोला कि हमें लगभग 18 फिट रास्ता चाहिए, और चाहे रास्ता किसी का पट्टे का हो या शासकीय हो, पर रास्ता किसानों के लिए चाहिए, ये हमने बिल्कुल निर्देश दिया गया है, चाहे VIT को भी और तहसीलदार साहब को भी, और वो गए भी थे और उसके बीच में हमने चूना भी डाल रहे थे और 18 फीट के लिए VIT भी तैयार थी, लेकिन कुछ किसानों के कारण वो कोई विवाद हुआ तो वापस आ गए। फिर भी हमने ये कहा है कि जब तक निराकरण नहीं हो तब तक वहाँ कोई विकास कार्य ना होंगे,
ना कोई गड्ढे हो दो ना रोड बनेगा। ये हमने सख्त निर्देश बीआईटी वालों को भी दिया है और तहसीलदार को दिया है। उनका ये कहना है किसानों का कि गुहे की जमीन है, वहाँ की जो नाला है उसके ऊपर बीआईटी ने कब्जा कर लिया, पूरी जमीन को उन्होंने अपने हक में कर लिया और किसानों की कुछ जमीन है उसके ऊपर भी हक कर लिया। हमने उनको डराया जा रहा है, चमकाया जा रहा है कि आप अपने मनमाने ढंग से जो है कि देखें इसको। हमने तहसीलदार साहब को बोला है कि आप इनकी जमीन कितनी है, किसी ने शासकीय भूमि है उसको पूरी निकाल लिया जाए और जो भूमि में शासकीय है उसको हटाकर और अगर बीआईटी के अंदर भी आती है तो भूमि को निकाल लो, हम उसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी जमीन अगर शासकीय है तो शासकीय लेके रहेंगे और बीआईटी अपनी मनमानी इसलिए नहीं करेगी क्योंकि वहाँ जनता जनार्दन के आगे कोई एक व्यक्ति अब ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप देख रहे हैं ICN न्यूज, अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह सत्य सटीक विश्वसनीय।